कलर के जिसमें DNDFC चांदर का पाटा फूल जर्सी थे तमाम पाटा आरा आर लील फोटार मना गया तो नुकु तो कोई कना आम चुड़िए फुटबॉल टीम रेन संडे को अटेंडिंग चांदर सुर पाटा रे आरा जर्सी थे DNDFC टीम रेन संडे को खेल का संचालन करेंगे अरुण मैच प्रीत सोनाराम इसके बाद ये सिक्स राउंड का लास्ट मैच है फाइव राउंड का पहला मैच त्रिमूर्ति वर्सेस अभिराम स्पोर्टिंग के बीच में खेला जाएगा आप दोनों दल पहले से रेडी में रहेंगे बॉल में अच्छी कर अच्छी स्विंग हुआ वहाँ पर रितेश बॉल को समझ नहीं पाए बॉडी से टॉस होकर बॉल कॉर्नर हो चुका है कमिटी ने विवेक माडी अब जारी बनता ना सर ना कमिटी पाठा बने जीवा बहुत अच्छे मौका पर DNDFC के लिए अच्छी लेफ्ट फुटेड शॉट लेकिन तिरछी बचाव डिफेंडर के द्वारा शिवया
बहुत धनंजय अच्छी गोल यहाँ पर युवा खिलाड़ी के द्वारा डीएनडी एफसी टीम की ओर से शानदार गोल दत्ता हुआ। बाबू थोड़ा सा जर्सी नंबर दिखा देंगे, चलिए 8 नंबर के खिलाड़ी ने यहाँ पर गोल मारा तो ये है धनंजय मुखी। आगे हैं, बॉल को ग्रीप करके शिवू चला मियां घोड़ा में जमीन में लेट गए। अच्छा मौका पर बेकार जाता हुआ दर्शन कुमार हिमान में माचिस रहता तो मैं दुनिया को आग लगा देता। मैं अगर धनंजय के पास की जगह पर होता तो मैं गोल डाल देता, हालांकि फुटबॉल में कहना बहुत ऐसा होता है मुश्किल होता है, कथने और करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। अच्छी कट किए थे पर शिवु ने बॉल को राइट जोन से लेकर मिडिल जोन में बॉल अच्छी जगह पर कट किए थे। कमेंट्री में पढ़ा देना बॉल बीस पे ध्यान देना। इस बार जो मैच होगा 18 रन का पहला मैच होगा, यानी क्वार्टर फाइनल का मैच होगा। खेलने के लिए त्रिमूर्ति टीम के खिलाड़ी और अभी राम स्पोर्टिंग के खिलाड़ी पूरी तरह रेडी में रहेंगे। मैं दर्शकों को जानकारी बता दूं बहुत अच्छी प्रयास लेकिन उससे बेहतर बचाओ गोलकीपर के द्वारा विश्वनाथ माडी का बहुत अच्छी गोलकीपिंग। मैं दर्शकों को जानकारी बता दूं अभी जो आप लोग खेल देख रहे हैं इसमें जो टीम जीतेंगे क्वार्टर फाइनल का मुकाबला में कासेडी टीम के साथ उनका जोड़ी होगा। जो टीम एक लड़ाई जीत गई कासेडी साथ जोड़ा होगा। टीम लगता है कि टूर्नामेंट खेलने का अनुभव है, दोनों टीम बड़े बड़े टूर्नामेंट ज्यादातर खेलते हैं और अब तक एक गोल से आगे है डी एंड डीएफसी की टीम।
अच्छी कंट्रोल मनोज के द्वारा। पहला गोल जो देखा गया मनोज का अच्छा एसिस्ट देखा गया, चार डिफेंडर को बीट किया और साथ ही टेक्निकल बॉल को डाला। यहाँ पर जीरो एंगल से बॉल को शॉट करना चाह, धनंजय धनंजय चुरापी अच्छी कटिंग पर मनोज के द्वारा लेकिन गलत पास। धनंजय मिता में धनंजय बोलो मिता में धनंजय क्या कितना मिनट खिला रहे अभी 20 मिनट खिलाया था। अच्छा इसके साथ पर मैदान के पूर्वी छोर पर डीएनडी टीम की खिलाड़ी और मैदान के पश्चिमी साइड में आम जुड़ी फुटबॉल टीम की खिलाड़ी है। धनंजय मेहता में धनंजय बोलो मेहता में धनंजय के चुनो पर डिसीजन में फॉल होता हुआ डिसीजन के फ्री किक को फुटबॉल की दुनिया में आधे गोल माने जाते हैं, कहां तक सफल हो पाते हैं यहां पर आम धनंजय ये देखना होगा। रूल 12 में द फॉल एंड हॉलैंड मिसकंडक्ट का वर्णन है। अच्छी जी बॉल सुभाष महतो का, हालांकि जब तक संदीप महाले बॉल को रिसीव कर लेते उससे पहले पर लखन का अच्छी क्लियरेंस देखा गया। अच्छी
डेढ़ मांग सिब सिब आम चुड़िया की अगर बात की जाए तो सालबरनी के अगल बगल ये गांव बसा हुआ है और टीम के मैनेजर एक मजबूत टीम को लाए हैं। डीएनडीएफसी की अगर बात की जाए तो टीम में कलकापुर क्षेत्र की खिलाड़ी मौजूद है। क्या कर रहा है किरण में वापसी के निकले अच्छी मौका पर आम जुड़िए की टीम को शॉटिंग तो लिया पर बाबू लेकिन बॉल को काफी राइट जोन में रखकर शॉट लेना था बॉडी और बॉल के बीच डिस्टेंस भी ज़्यादा दिए हैं नतीजा यहाँ पर बॉल को सही जगह पर डाल नहीं पाए।